नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत करेंगे। इस दौरान वे संक्रमण के हालात पर चर्चा करेंगे। मालूम हो कि देश भर में तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री का यह संवाद काफी अहम है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। मोदी मंगलवार दोपहर 3 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे और इस बीच संक्रमण की रिपोर्ट ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में सख्ती बढ़ाने को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। उधर तमिलनाडु में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 4 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाकर 19 जून से 30 जून तक कर दिया है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत राज्य के 16 जिलों में मेघ गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। 15 जून की शाम 5 बजे के बाद काले बादल घिरे आए और मेघ गरज शुरू हो गई। इसके साथ ही राज्य के 16 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने दिन में ही 16 जून में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग के अनुसार कोडरमा, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, पलामू, गढ़वा, दुमका में वर्षा के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। निजी स्कूल फीस माफ को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू। लॉकडाउन के समय पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस छोड़ने, सभी तरह की फीस माफ करने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग पर हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। झारखंड अभिभावक महासंघ द्वारा ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री एवं राज्य के शिक्षकों तक पहुंचाया गया। संघ ने निर्णय लिया कि सभी अभिभावक जन सुनवाई ऐप डाउनलोड कर फीस माफी की अपील को अपने स्तर से दर्ज कराएंगे। झारखंड में 43 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो पूर्वी सिंहभूम से 21, रांची से 6, खूंटी से 6, चतरा से 5, लोहरदगा से 3, हजारीबाग से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 1 है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1763 से बढ़कर 1806 हो गई, जबकि 1000 लोग स्वस्थ हुए, 9 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 342,845 है, जबकि 180,225 लोग स्वस्थ हुए और 9,914 की मृत्यु हो गई। झारखंड में 9वीं मौत गुमला निवासी। झारखंड में संक्रमण से 9वीं मौत गुमला निवासी बुजुर्ग की हुई है, जो 81 वर्ष का था। गुमला के बुजुर्ग का राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स में 15 जून 2020 को मौत हो गई। ऐसे में झारखंड में संक्रमण से मरने वालों की आंकड़ा 9 हो चुकी है। 10वीं और 12वीं के लिए जारी किया गया विशेष कॉन्टेंट। CBSE ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष कंटेंट तैयार किया है। CBSE के क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर मनोहर लाल ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए बोर्ड ने विशेष कंटेंट तैयार किया है। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए सैंपल पेपर दिए हैं, जबकि दूसरी शिफ्ट में उनके उत्तर भी है। ऐसे में विद्यार्थी पहले अभ्यास के तौर पर तैयारी करने के बाद खुद परीक्षा दे सकते हैं तथा उत्तर पुस्तिका की मदद से अपना जवाब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। विद्यार्थी यह विशेष कंटेंट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर हासिल कर सकते हैं। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। गुमला पुलिस व CRPF 218 बटालियन ने संयुक्त रूप से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाजपा माओवादी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसका नेतृत्व गुमला SP हरदीप जनार्दन ने किया। इस दौरान गुमला SP श्री जनार्दन ने नक्सलियों से सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि गोली से बचना है तो सरेंडर करें। SP ने गांवों में ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए और कहा कि पुल, पुलिया, सड़क सहित अन्य विकास कार्यों को जल्द पूरा कराया जाएगा। गांवों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इजराइल की तर्ज पर झारखंड में सामूहिक खेती कराएगी सरकार। लॉकडाउन में किसान व प्रवासी मजदूरों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने को लेकर सरकार ने छोटे किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष योजना तैयार की है। सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इजराइल की तर्ज पर सामूहिक खेती कराएगी। इसके लिए किसानों व प्रवासी मजदूरों की भूमि पर खेती कराई जाएगी। आपको बता दें कि कृषि विभाग ने सभी जिलों में इसकी शुरुआती करने का आदेश दे दिया है। इसके अंतर्गत हरेक पंचायत में 100 एकड़ जमीन पर सामूहिक खेती होगी। 18 जून से रामगढ़ में चलेगा गहन जन स्वास्थ्य जांच अभियान। संक्रमण को देखते हुए 18 जून से रामगढ़ जिला में गहन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। इसमें 40 साल से अधिक उम्र के लोगों की जांच की जाएगी। इस सर्वे में सहिया, ANM और CHO घर घर जाकर प्रपत्र भरेंगे और 40 के लोगों की सूची बनाएंगे, जिसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी। लोहरदगा में PLFI के 5 नक्सली गिरफ्तार। लोहरदगा में PLFI उग्रवादी संगठन में 5 नक्सलियों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों की गिरफ्तारी लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के तोड़ार आम बगीचा के समीप 12 जून की रात
कुलझर नहर निर्माण योजना में लेवी के खातिर उत्पाद मचाने के मामले में हुई है। इसकी पुष्टि एसपी प्रियंका मीना ने की है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त घटना के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई में पीएलएफआई के 5 नक्सली पकड़े गए। धान खरीद से पहले किसानों की जमीन जांच होगी। सरकार अब किसानों से धान खरीदने से पहले उनकी जमीन की जांच कराएगी। इस वर्ष से न्यूनतम समर्थक मूल्य पर धान बिक्री के लिए नियंत्रण 1.5 लाख किसानों के जमीन की जांच किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव अरुण सिंह ने संबंधित पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा है कि किसान परिवार के कई सदस्य एक ही जमीन को लेकर अपना निबंधन कराते हैं और इसका मुख्य रूप से फायदा बिचौलिया उठाते हैं जिन पर लगाम लगाने की जरूरत है। हॉस्टल संचालन सिर्फ मासिक शुल्क लेंगे। हॉस्टल संचालन हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से लॉकडाउन अवधि का मेंटेनेंस शुल्क और खाने का पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ महीने का मासिक शुल्क लेंगे। यह निर्णय झारखंड हॉस्टल ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक में लिया गया। बैठक में छात्र संघ की प्रतिनिधि ने हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से मासिक शुल्क समेत अन्य मद में रियायत देने की बात रखी। छात्रों की बात सुनने के बाद एसोसिएशन ने सिर्फ मासिक शुल्क लेने पर सर्वसम्मति बनी है। ढुलू महतो के राज्यसभा चुनाव में वोट करने पर लगा ग्रहण। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुलू महतो के मतदान करने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। धनबाद की अदालत ने सोमवार को उन्हें औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया। बागमारा विधायक को जमानत नहीं मिलना भाजपा उम्मीदवार के लिए एक झटका माना जा रहा है। सिंचाई के पैसे बैंक में रखे रहे, 2000 एकड़ में लगे बाग सूखे। पलामू जिला में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 2000 एकड़ भूमि पर लगाए गए आंवला नींबू और अमरूद के बाग सूख गए। दरअसल अफसरों ने बाग तो लगाए लेकिन सिंचाई सुविधा के लिए सरकार से मिले पैसा बैंक में रख दिया। आपको बता दें कि बैंक में रखा पैसा अब सूद सहित बढ़कर 1.19 करोड़ रुपया हो गया है। एजी द्वारा बागवानी योजना की नमूना जांच के बाद सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में इन बातों का उल्लेख किया गया है। आदेशों का पालन नहीं करा पाए तो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का कटेगा 1 माह का वेतन। संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ट्रैफिक एसपी ने सभी ट्रैफिक थानेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। ट्रैफिक पोस्टर पर तैनात पुलिस पदाधिकारी व कर्मी अगर आदेशों का पालन कराने में लापरवाही बरतते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस अधिनियम के तहत 1 माह का वेतन जुर्माना स्वरूप वसूल किया जाएगा। देवघर के श्रावणी मेला पर संशय बरकरार। 5 जुलाई से बाबा बैजनाथ धाम में श्रावणी मेला की शुरुआत हो जाएगी लेकिन मेला लगने पर अब भी संशय बरकरार है। एक तरफ जहां लॉकडाउन में सभी मंदिर पर आधारित व्यवसाय चौपट हो चुके हैं वहीं पुजारियों की स्थिति भी बदहाल है। बताया जाता है कि श्रावणी मेला में 1 महीने की कमाई से 1 साल तक इनका घर चलाया जाता था लेकिन इस वर्ष सभी उद्योग धंधे बंद हैं। 2 हाथियों की हत्या, दांत काट ले गए तस्कर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीमे से सटे उड़ीसा के क्योंझर जिला के चंपुआ रेंज अंतर्गत जंगल से 2 हाथियों के शव वन कर्मियों ने बरामद किया है। आशंका है कि तस्करों ने हाथियों की हत्या कर दी। मृत पाए गए हाथियों के दांत काट लिए गए हैं। आपको बता दें कि मृत हाथियों में 1 नर और 1 मादा हाथी है। चतरा में 83,000 पौधे की हरियाली खत्म, 45 लाख पानी में बहे। वन विभाग द्वारा लगभग 7 साल पहले चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड स्थित सिकटिया वनोपरण क्षेत्र में 50 हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए 83,000 पौधे में से सिर्फ 1 से 1.5 हजार पौधे बच पाए हैं। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में भूमि संरक्षण योजना के तहत लगभग 35 लाख रुपए से खर्च कर इस योजना में पौधा लगाए गए थे। पौधारोपण के बाद आसपास पूरा इलाका हरा भरा नजर आ रहा था जो आज धीरे धीरे 7 वर्षों में नष्ट हो गया। टैक्स का विलंब शुल्क नहीं लेगा परिवहन विभाग। लॉकडाउन के दौरान कमर्शियल वाहनों को टैक्स तो देना होगा लेकिन तत्काल टैक्स नहीं देने वाले का विलंब शुल्क नहीं लगेगा। परिवहन विभाग ने बिहार समेत अन्य राज्यों की तर्ज पर 30 जून तक फाइन माफ करने का निर्णय लिया है। बस संचालकों को राज्य परिवहन विभाग से 90 दिनों से बस खड़े रहने के कारण टैक्स नहीं जमा करने वालों का विलंब शुल्क माफ करने की अपील की थी जो विभाग ने टैक्स नहीं देने वालों का लेट फाइन माफ कर दिया है। धनबाद में 11 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन मुक्त।
धनबाद डीसी सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अमित कुमार ने 11 क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन एवं बम्फर जोन से मुक्त करने का आदेश दिया है। इसमें धनबाद नगर निगम वार्ड 17, वार्ड 27, वार्ड 24, वार्ड 42 के भाग नंबर 2 इत्यादि सम्मिलित हैं। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि इन क्षेत्रों में पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद संक्रमित व्यक्ति के घर को एपी सेंटर चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 1,51,000 रुपये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके आवास पर झारखंड क्रिकेट एकेडमी, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम, उलियान कदमा, जमशेदपुर की ओर से 1,51,000 रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण संकट की इस घड़ी में मदद के लिए विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के साथ आम लोगों सामने आ रहे हैं। लोगों के सहयोग से हम लड़ाई जरूर जीत हासिल करने का कायम होंगे। वोकेशनल शिक्षकों को सेवा विस्तार के समय में 2 दिनों का ब्रेक। रांची बीबी के पीजी विभाग व कॉलेज में संचालित वोकेशनल कोर्स के फैकल्टी के लिए अच्छी खबर है। अनुबंध पर नियुक्त इन 56 फैकल्टी के हर साल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट विस्तार में केवल 2 दिनों का ब्रेक लिया जाएगा, जो सत्र 21-22 से लागू होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 15 दिनों का ब्रेक दिया जाता था। शादी ब्याह के लिए पास जारी करने की मांग। गढ़वा जिला रंका प्रखंड के भाकपा माले नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है कि झारखंड सीमा से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की सीमा जुटी है। इन राज्यों में शादी विवाह जैसे आयोजन को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। शादी विवाह के लिए लोगों के पास नहीं बन रहे हैं, जो मुख्यमंत्री से अपील है कि 15 बारातियों को आने जाने का पास निर्गत करने की अनुमति दे। कोडरमा में 18 जून से गहन जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण। झारखंड में संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच कोडरमा जिला में 18 जून से गहन जन स्वास्थ्य सर्वे शुरू होने जा रहा है। कोडरमा उपायुक्त ने इसकी तैयारी का जायजा लिया और स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को जरूरी निर्देश दिए। छठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। छठी जेपीएससी के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। बता दें कि कृष्ण मुरारी चौबे की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने सभी पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर परिणाम निकाला है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।